करके भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक 21 वर्ष लड़के की जान चली गई। भिवंडी का एक मशहूर और जाना माना सुपर स्टोर वैरायटी सुपर बाजार है, जहां आपको खाने पीने और किचन प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे कई जरूरी सामान भी कम रेट में मिलेंगे। हर संडे यहां पर सेल भी होती है, जिसका फायदा उठा सकते हैं। वैरायटी सुपर बाजार की 3 ब्रांचेस है, मंडई, 3 बत्ती और खरक रोड। विजिट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। कल बीती रात तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में हमें खबर आई थी कि यहाँ से, जो आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, यहाँ पर एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक 21 वर्ष लड़के की जान चली गई। असद मोमिन नाम था, इस भिवंडी के इस्लामपुरा इलाके का रहने वाला था। कल तकरीबन 10:30 बजे के करीब एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते यहाँ पर उस लड़के की मौत हो गई। उस मौत की वजह जो है, एक्सीडेंट की वजह जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिस तरह से ये रोड के किनारे ऊपर नीचे ब्लॉक और उसके बीच में गैप है, उसके वजह से बताया जा रहा है कि गाड़ी कुछ डिसबैलेंस हुई और पीछे से एक बस ने आके उसे ठोक दिया, जिसके वजह से उस लड़के की जगह पर ही मौत हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से ये रोड भी काफ़ी ज़्यादा नैरो हो चुका है और इस जगह पर जो आप देखेंगे कि इलीगल पार्किंग्स भी की गई है, जिसके वजह से ये रोड जो है काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया है, जिसके वजह से आने जाने वालों को फुटपाथ पे तो जगह नहीं है। देख सकते हैं फुटपाथ किस तरह से यहाँ पर पूरा जो फुटपाथ है वो, उसमें कहीं कहीं चेंबर गायब है, तो कहीं पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो कहीं पे कुछ है, कुछ ना कुछ इस तरह का लगा हुआ है। मैं आपको बता दूँ, महानगर की बस थी कल, उसके चलते यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और उस लड़के को फिलहाल उस वक्त जो है IGM हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद पंचनामा करके बॉडी जो है लड़के के रिश्तेदारों को दे दी गई। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी लापरवाही कहूँगा मैं यहाँ पर MMRDA की जो है। यहाँ पर रोड तो बनाए जाते हैं, मगर रोड पे जो जिस तरह से एक्सीडेंट स्पॉट्स है वो वहाँ पर क्लियर नहीं किया जाता। हमने पिछली वीडियो में, कई वीडियो में बताने की कोशिश करी, जिस तरह से हम नासिक हाईवे पर अजवा के सामने अब देखते हैं कि रोड ऊपर नीचे है, उसके आगे हम जाएंगे चाविंद्रा में, वहाँ पर ऊपर रोड नीचे, ऊपर नीचे है ब्लॉक और रोड के बीच में, और नदी नाके से जब आप पंजारपट्टी की तरफ आओगे गौसी होटल के पास, वहाँ पर भी इस तरह के स्पॉट्स है। तो ये सब स्पॉट्स जो है जानलेवा होते जा रहे हैं दिन ब दिन। जिस तरह से कल हमने देखा कि यहाँ पर एक बच्चे की जो है 21 वर्षीय असद मोमिन, जो इस्लामपुरे का रहने वाला था, थाना में जॉब करता था, रिटर्न आते वक्त यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी जान चली गई। एक बड़ी लापरवाही कहूँगा मैं, ये सब छोटे मोटे जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, इसी के वजह से जो है यहाँ पर एक बड़ा हादसा होता है। हालांकि देखा जाए तो ये कोई बड़ा उतना वो एक्सीडेंटल वो नहीं है, मगर यहाँ पर एक शख्स की, एक बच्चे की जो है जान चली गई है। एक बड़ी सोचने वाली बात है कि उसका परिवार आज जो है पूरा गम में होएगा कि इतनी छोटी सी लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान चली गई है। आप जिस तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इस रोड और ब्लॉक के बीच में जो गैप है, इस तरह से आगे हम जब जाएंगे तो आगे भी इसी तरह का है, और विजय सेल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी इसी तरह का ऊपर नीचे रोड है। आप देख सकते हैं कितना कम गैप बचा हुआ है आने जाने के लिए, और लोग किस तरह से यहाँ पर आ रहे जा रहे, फुटपाथ भी क्लियर नहीं है। इसी तरह भिवंडी में और भी कई जगह हैं जहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स हैं। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो ये सब पॉइंट्स है इसको क्लियर करें और आगे फ्यूचर में इस तरह से किसी की जान ना जाए।